They have to deceive themselves. डाकू लोग, जहाज, सफाक यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती करते थे। हमारे माशरे में जो बस्ता अलिफ बस्ता के गुंडे होते हैं, उनके यहां भी नेकी का, पुण्य का, खैर का खाता होता है। किसी तरह कुछ मजहबी एक्टिविटी है। असल शय ये है, किस माहौल में रह रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत होता मैं और आप, फिर आप अच्छे से अच्छा पहनते, कोई इतराज नहीं, अच्छे से अच्छा खाते। उन मन हर रमजीनत अल्लाह लती अखरज अल इबाद ही वक्वा ये बात मिन अर्ज़। खिलाफत रास्ता में आप रह रहे हैं, आप हलाल जरिए से कमा रहे हैं, आप बहुत अच्छा खाइए, बहुत अच्छा पहनिए, बल्कि अल्लाह चाहता है कि उसकी नेमत जो उसने तुम्हें दी है वो तुम पर जाहिर हो। लेकिन प्लीज नोट द कॉन्टेक्स्ट, दीन मगलूब हो और आप अच्छा पहनने और अच्छे खाने की फिक्र में हो। मुझे जुमला याद आ रहा है हजरत अबू बकर का रजी अल्लाह तआला अन्हु। थोड़ा सा मसला हुआ था कि लोगों ने कहा कि जकात हम देंगे लेकिन जकात रियासत को नहीं देंगे, अपने तौर पर खर्च करेंगे। हजरत अबू बकर ने फैसला किया उनके खिलाफ जंग का। हजरत उमर जैसी शख्सियत भी मशवरा दे रही है कि देखे नहीं, दो फ्रंट पहले हमने खोले हुए हैं, जैश उसामा को भी आपने रोका नहीं, जाए हुजूर ने तैयार किया था, फिर जो मुर्तदी हो गए किसी और को नबी मान लिया, उनके खिलाफ तो जंग करनी ही करनी है, लेकिन ये तो सिर्फ नमाज भी पढ़ रहे हैं और ये जकात का भी इंकार नहीं कर रहे, सिर्फ हमें नहीं दे रहे हैं, तो इनके साथ जरा मसलहत का तकाजा ये है कि नरमी की जाए। उनके बड़े प्यारे अल्फाज थे, अयुमदीन वाना हाई, क्या दीन में तगैयुर किया जाएगा जबकि अभी मैं जिंदा हूं। खुदा की कसम, अगर ये हुजूर के जमाने में जकात के ऊंटों के साथ उनके बांधने वाली रस्सी भी देते थे, और अब अगर ये कहेंगे कि ऊंट ले जाओ रस्सी नहीं देंगे, तब भी मैं कताल करूंगा और खुदा की कसम कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेला जाऊंगा। और है उबर तुम्हें क्या हो गया, तुम जाहिलियत में तो बड़े सख्त थे, इस्लाम ले आकर तुम धर्म हो गए। ये दांत अबू बकर पिला रहे हैं उमर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अच्छी तरह जान लीजिए, अब मैं नहीं कह सकता कि मैं किस तरीके से इसको बयान करूं, कैसे थोक थोक कर आपके जहनों में उतार दूं। यह है असल शय, दीन का सारा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल रिवर्स हो जाता, दी होल वैल्यू स्ट्रक्चर एब्सोल्यूटली चेंजेस। दीन गालिब है तो वो सारी बातें हैं जो हमने खूब याद की हुई हैं, आखिर हुकूक वालदैन भी तो है ना, आखिर बच्चों के हुकूक भी तो है ना। ये हुकूक के वालदैन जो है उन मुहाजिरीन को याद नहीं आए जो अपने मां बाप को छोड़कर मदीने पहुंच गए थे, ये औलाद के हुकूक उन्हें याद नहीं आए, बीवियों के हुकूक याद नहीं आए, वो तो फैनेटिक्स थे ना, पागल थे ना। मदीने के मुनाफिकीन ने उन्हें सुफहा कहा था, बेवकूफ लोग हैं ये, अजोम कमा बोला सुफहा, फूल ये फैनेटिक्स। ये सारी हदीसें आपको याद हैं। फर्क है, इस्लाम गालिब है तो मसला कुछ और, अच्छा खाएं अच्छा पहने नवाफिल है, नवाफिल पर नवाफिल है, जितनी तरक्की कीजिए दुनिया में करना चाहें दुनिया में कीजिए, रूहानी तरक्की करना चाहें रूहानी तरक्की कीजिए, सारे मैदान खुले हैं। इल्म में, प्रोफेशन में, किसी खास फन में तरक्की करना चाहे कीजिए, दीन गालिब नहीं है और आप खुद 50%, 60%, 70%, 90% काफिर हैं, इसलिए कि उस माहौल का जुज है जिसमें कुफर का निजाम है। तो पहला काम तो अपने आप को उस कुफर से निजात दिलाना होगा, फिर नमाज भी इसी के लिए है। वस्ताइनू बिस्सब्र वस्सला, मदद हासिल करो नमाज से, किस काम के लिए मदद हासिल करो, ये मिशन टू मेक द दीन ऑफ अल्लाह सुप्रीम, अन अकीमुद्दीन। नमाज इसके लिए सबसर्वियंट है, इसके लिए मदद है,
रोजा उसी के लिए जंग करने की सलाहियत पैदा करने के लिए है। इसलिए 23वें रुकू में सूरह बकरा के रोजे और रमजान के अहकाम है, 24वें रुकू में कताल शुरू हो गया। कातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युकातिलूनकुम। और अरब जो है वो रोजा रखवाते ही सिर्फ घोड़ों को थे, खुद तो रखते ही थे क्योंकि घोड़े को इस्तेमाल करते थे लूटमार में, गारतगरी में, जंगों में। और घोड़ा है गर्म नाजुक मिजाज जानवर, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऊंट तो कर जाता, चाहिए था उन्हें घोड़ा। लिहाजा घोड़े को आदि बनाते थे धूप का, प्यास का, भूख का, ताकि ऐसा ना हो कि अहर मार्के का वक्त और घोड़े साहब जवाब दिए बैठे हो तो सवार क्या करेगा। तो सामा यसूमू अरबी जबान में घोड़े के लिए था, इंसानों के लिए था ही नहीं। ये तो मदीने में आने के बाद फिर हुजूर ने यहूदियों को देखा कि रोजा रखते हैं, तो आपने भी मुसलमानों से कहा आशूरा का रोजा है वगैरह वगैरह। छोड़ दीजिए, इस बात को लंबी हो जाएगी। ये सारी चीजें असल में है उस मकसद के लिए। अब देखिए कि अब प्रैक्टिकली हम आते हैं मसले के ऊपर। आई होप मैं इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपने एहसास को जैसे कि मेरे हैं आप तक मुंतकिल कर दूं। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो 30-30 बरस से मुझे सुन रहे हैं और ये सारी बातें सुन रहे हैं और तक से बच नहीं होते। जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, उनका वही कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट 1400 बरस में जाकर जो है मुकम्मल हुआ, पुख्ता हो गया। 30 बरस से खिलाफत रास्ता के उसके बाद डाउनफॉल, कॉन्सेप्ट स्टार्टेड चेंजिंग, दीन मजहब बनता चला गया, सारा एम्फेसिस नमाज रोजे हज इबादत पर हो गया, दीन का तसव्वुर ही खत्म। और फिर हम पर, हम में से जो लोग गुलाम रहे वो तो इतने फूगर हो गए कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा था ये कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे हुक्मरानों को, अंग्रेजों को परेशानी का मुजीब बन जाए, इसलिए कि उन्होंने हमें मजहबी आजादी दी हुई है। हमारे नमाज पढ़ने पे कोई कदगन नहीं है, हमारे रोजा रखने पे कदगन नहीं है, हज करने पे कदगन नहीं है, लिहाजा वी शुड बी लॉयल टू देम। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। ये कॉन्सेप्ट इतने पुख्ता हो चुके हैं, इतने पुख्ता हो चुके हैं। रिचुअलिज्म, रसूमात, रह गई रस्म में अजा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, नमाजो रोजाओ कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। नमाजें नहीं है, रोजे भी हैं, तराली भी हमने पढ़ी है, अब मौसम आ रहा है, ईद उल अजहा भी होगी, कुर्बानी भी होगी, हज के लिए भी जाएंगे, लेकिन दुनिया पर कोई असर इसका? 30 लाख आदमी हज करके आएंगे, माशरे पर कोई जीरो के बराबर भी कोई असर है? जो खुद कजा कर करके आते हैं उन पर कोई असर होता है? जैसे गए वैसे आए, उल्टा ये कि ये और कॉन्फिडेंस ले आए कि पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, अब असर नौ करने की छूट है। इसे मुझे कहते हैं, और मैं अपना 33 साल का तजुर्बा आपको बता रहा हूं। असल डिसाइसिव क्वालिटी है, इसको समझ लें अगर तो आपका पूरा तसव्वुर बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर जो भी है वो है। अब मैं एक अमली सवाल कह रहा था कि इसमें एक बड़ा अमली सवाल है, मैं क्या करूं, मैं एक ऐसे माहौल में रह रहा हूं जिसमें अल्लाह का दीन गालिब नहीं है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, मैं शराब नहीं पीता, मैं